हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है जेके इज टू ओ पी एज डैश इज टू डैश, और इस ब्लैंक स्पेस में कौन से लेटर्स भरे जाएंगे ये हम लोग को पता करना है। तो देखिए, जे के बाद आता है के और ओ के बाद आता है पी, ठीक उसी तरह से क्यू के बाद आर, वी के बाद डब्ल्यू, तो ये भरा जा सकता है। यहाँ है क्यू के बाद आर और ओ के बाद यू, तो यहाँ पे ओ के बाद यू है, ओ के बाद पी होना चाहिए, तो इस पर सोचा विचारा जा सकता था कि ये होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे ओ के बाद यू है तो ये डायरेक्टली हम कहेंगे ये नहीं भरा जाएगा। उसके बाद आगे क्यू के बाद आर, एस के बाद टी, तो ये भी भरा जा सकता है, और एस के बाद टी, यू के बाद वी, ये भी भरा जा सकता है। अभी इन तीनों में से कोई एक यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों ऑप्शन में एक के बाद एक लेटर्स आते हैं, लेकिन यहाँ देखिए जे के बाद के है और ओ के बाद पी है, तो के और ओ के बीच 3 लेटर्स का डिफरेंस है। जैसे के बाद आता है एल, एम और एन, ठीक है, तब है ओ। के बाद एल, एम और एन, तब है ओ। उसी तरह से ठीक देखिएगा, R के बाद S, T और U, 3 लेटर्स, उसके बाद V आता है, तो इन दोनों के बीच 3 लेटर्स का डिफरेंस है, जिस तरह के यहाँ K और O के बीच है। और यहाँ देखिएगा R के बाद जस्ट बाद S आ जाता है, तो यहाँ डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। और T के बाद U आ जाता है तो यहाँ भी डिफरेंस नहीं, ये भी नहीं होगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन A सही आंसर होगा, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 है, 12 है, 48 है, 192 है, उसके बाद ब्लैंक स्पेस है। ब्लैंक स्पेस में कौन सा नंबर भरा जाएगा इनमें से, ये हम लोगों को बताना है। देखिए 3 है, 3 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 4 जा 12 हो जाता है, 12 को 4 से कर दीजिए 12 4 जा 48, 48 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 48 4 जा 192, और 192 को इसी तरह से हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, कैरी 3, 4 1 जा 4, 3 7, 768, तो ये आंसर हमारा सही होगा, करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए है, उसका जेड है, बी है, वाई है, सी है, एक्स है, डी है, और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, और इस स्पेस में कौन सा लेटर यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे ये बताना है, ठीक है। तो देखिए ए है फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट का, और उसके बाद जेड है लास्ट लेटर, उसका बी है सेकेंड लेटर शुरू से, और वाई है सेकेंड लास्ट लेटर, सी है थर्ड लेटर, और ये है एक्स थर्ड लास्ट लेटर, यानी पीछे से अगर शुरू करें तो तीसरा लेटर, उसका डी है फोर्थ लेटर अल्फ़ाबेट में, और पीछे से शुरू किया जाए, अगर लास्ट से शुरू किया जाए तो चौथा लेटर कौन होगा, तो डब्ल्यू होगा, तो इसलिए डब्ल्यू यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।